कांग्रेस पार्टी द्वारा हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से चुनाव मैदान में उतारे गए अपने उम्मीदवार रामलाल ठाकुर ने अपने विधानसभा क्षेत्र का दौरा किया और लोगों से मुलाकातें की। दियोड़, मैथी, जामली, तनभोल आदि क्षेत्रों में उनका पहुंचने पर फूलमालाओं के साथ जोरदार स्वागत किया गया और उनके समर्थन में नारेबाजी भी की गई। श्री नैना देवी जी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले स्वारघाट में हिमाचल टूरिज्म के हिल टॉप होटल में श्री नैना देवी जी विधानसभा क्षेत्र के विधायक व हमीरपुर संसदीय लोकसभा क्षेत्र के कांग्रेस प्रत्याशी रामलाल ठाकुर ने पत्रकार वार्ता की। उन्होंने कहा कि 3 बार तक लगातार हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के सांसद अनुराग ठाकुर ने बिलासपुर व ऊना दोनों जिलों की अनदेखी की है तथा 4 लेन व सुरंगों के निर्माण कार्य गत 2 सालों से ठप पड़े हैं। बावजूद इसके भाजपा सांसद विकास कार्यों के झूठे श्रेय लेने का प्रयास कर जनता को गुमराह कर रहे हैं। ठाकुर ने कहा कि जिला बिलासपुर में जितने भी विकास कार्य हुए हैं वे सभी उनके मंत्री पद के दौरान हुए हैं और ये कहना भी गलत नहीं होगा कि गत 1 साल से नैना देवी के विधायक रहते भी काफी विकास हुआ है। विधायक निधि का पैसा जनता के विकास कार्यों में लगाया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि सांसद अनुराग ठाकुर अपना सांसद निधि का सारा पैसा जनता के विकास कार्यों में खर्च करने में नाकाम रही हैं, जिस वजह से सांसद निधि का अधिकतर पैसा वापिस लौट गया है। का ध्यान जो है वो उन मुद्दों से हटा के अब भारतीयता की हिंदू और मुस्लिम की लड़ाई की तरफ को मोड़ा जा रहा है। ये भारतीयता की, या मैं कहूँगा कि देशभक्ति की एक नई परिभाषा भारतीय जनता पार्टी निकाल रही है और सेना ने जो भारतवर्ष की एकता और अखंडता के लिए हमारी सुरक्षा के लिए जो सेना का जो काम है उसका राजनीतिकरण करके आज मोदी साहब ये सोच रहे हैं कि इस चुनावी बेतरनी नदी में उस सहारे से वो उस बेतरनी नदी को पार कर जाएंगे, जो बड़ा मुश्किल है। लोग बहुत समझदार हैं, लोगों को समस्याओं का मालूम है, क्या क्या वायदे किए थे, क्या क्या झूठ हुआ, और अब जो लड़ाई है वो सच और झूठ के बीच में है।